हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र शर्मा और आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इजीएस्ट वे। नॉर्मली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको कन्फ्यूजन होती है कि फर्स्ट एंगल में चीज़ें कहाँ बननी है, यानी फ्रंट टॉप और साइड, और थर्ड एंगल में कहाँ बननी है, हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। तो आज हम मिलकर ये इसको बहुत सिंपलेस्ट तरीके से सीख लेंगे, इसके बाद हमें कभी भी इसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी कि फर्स्ट एंगल में कहाँ बनना है और थर्ड एंगल में कहाँ बनना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखना है, देखिए होता क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में या आपके पेपर में जो आइसोमेट्रिक व्यू आया है वो कहां पर है। ये देखिए, आप देखेंगे ये सेम ड्राइंग है दोनों, लेकिन एक इस एंगल में है और एक इस एंगल में पड़ी है। सेम ड्राइंग है, यानी रखने का तरीका अलग है। तो जब भी आपको फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में बनाना है, आपको क्लियर समझना पड़ेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दो तरीके से रखा जाता है। तो आपने अच्छे से समझना है कि आपकी जब भी कोई ड्राइंग आएगी, या तो वो इस एंगल में रखी होगी या वो इस एंगल में रखी होगी। ठीक है, तो पहले आपको ये क्लियर करना है। जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार इस एंगल में है या इस एंगल में है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करें, इसको एक प्लस में डिवाइड कर दें। ठीक है, अब इस प्लस को खींचने का मकसद ये है कि ये इससे ये दर्शाता है कि जब भी आपकी कोई ड्राइंग आई है वो या तो इस क्वाड्रेंट में होगी या इस क्वाड्रेंट में होगी। कभी भी कोई भी जो ड्राइंग आएगी वो कभी भी आप उसको इस इमेजिनेशन में यहां पर या यहां पर नहीं रह सकते। आपको क्लियर समझना है कि एक प्लस प्लस बनेगा और आपको ये डिसाइड करना है कि वो उसकी पोजिशन ये है कि उसकी पोजिशन ये है। अगर आपने इतना क्लियर कर लिया तो समझ लीजिए आगे की ड्राइंग बहुत इजीली बन जाएगी। अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ड्राइंग इस एंगल में पड़ी हुई है, तो इस एंगल में पड़ी हुई है जैसे मैंने आपको समझा दिया, आप इसको एक तरह से याद कर लें कि ये है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि मेरी जॉब ऐसे रखी गई है या जॉब ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रखा गया है। तो अगर मानते हैं वो जॉब आपकी ऐसे है, आप क्या कर सकते हैं, अभी इसको स्टॉप कीजिए, स्टॉप करके अपनी बुक निकालिए, बुक निकाल के आप चेक करिए तो आपको केवल दो एंगल मिलेंगे किसी भी चीज को रखने के, या तो वो इस एंगल में मिलेगी या इस एंगल में मिलेगी, इसके अलावा थर्ड रखने का तरीका नहीं होता। तो हम बात करते हैं कि अगर जब जॉब इस एंगल में होगी तब आपने क्या करना है। ठीक है, अब यहां देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको फ्रंट माने। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी फिगर बन चुकी है और इसको किसी ने उसको बोल दिया है फ्रंट या एलिवेशन, जैसे हम इस ड्राइंग की बात करें तो इसमें क्या है, हमने कहा फ्रंट और एलिवेशन, यानी अगर ये यहाँ से ये बड़ी डिस्टेंस है, इसको अगर उसके जो ड्राइंग में ये फ्रंट बताया गया है तो बाकी काम सब आसान है, ये काम हो चुका है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गई, अब कुछ नहीं रह गया इस ड्राइंग में, क्योंकि इसने फ्रंट यहाँ दिखाया है। अब हमें देखना है हमने फर्स्ट एंगल बनाना है या थर्ड एंगल बनाना है। तो अगर अब हम बात करते हैं, अगर ये फर्स्ट एंगल बनना है, क्या फर्स्ट एंगल अगर ये फर्स्ट एंगल में बनना है तो आपको क्या चीज करनी है कि मुझे इसे पुश करना है। जैसे अब आप ये फर्स्ट एंगल में है, फ्रंट है, तो यानी ये फ्रंट कहां जाएगा, मैं इसको पुश कर रहा हूं और पुश करके कहां लेके जा रहा हूं, धक्का दे रहा हूं ए इधर। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपने फ्रंट बनाया है, आपने जस्ट प्लस बना दिया, इसको समझ कर कि इस उसमें पढ़ाया और इसको फ्रंट बोला है, तो अब मैं इसको पुश कर रहा हूं, इसको मैंने पुश करा इमेजिन के साथ, देखिए यहां आएगा, यानी इसका फ्रंट कहां चला गया, जस्ट यहां पर, यानी इसका फ्रंट कहां बनेगा, यहां, किसमें, जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंगल। क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने ड्राइंग आई, ड्राइंग में मैंने डिसाइड करा कि मेरी जॉब ऐसे पड़ी है या ऐसे पड़ी है। अगर वो ऐसे पड़ी है तो ऐसे पढ़ने के बाद मेरा प्लेस के जस्ट उसमें एक प्लस बन गया, प्लस बनने के बाद मैंने इसको जस्ट फ्रंट को, क्यों फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल मैंने इसे पुश किया है, तो पुश होने के बाद फ्रंट कहां बनेगा, यहां बनेगा, यानी इसका ये जो शेप बनेगी कैसे बनेगी, ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने जस्ट फ्रंट था, मैंने उसको पुश करके ऊपर कर दिया। तो आप देख सकते हैं सेम शेप, जब मैं यहां से देखूंगा मुझे ये ऊपर की नहीं दिखेगी, ये नहीं दिखेगी, ये नहीं दिखेगी और ये नहीं दिखेगी। मैं अपनी हाइट छोटी का इमेजिन करें कि आप बहुत छोटे हो चुके हैं और पिक्चर बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आपको केवल ये दीवार दिखने वाली है, ये चीज। तो आपने इसे पुश करा कहां बना दिया, यहां बना दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज नोटिस करनी है कि जो फ्रंट होता है, अब जैसे ये समझिएगा
इसका टॉप मेरा टॉप, इसका फ्रंट मेरा फ्रंट, ये इन दोनों में रिलेशन है। अगर कहीं मेरा फ्रंट यहां बना है तो टॉप हमेशा मेरे या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ठीक है। तो अगर मैंने थर्ड फर्स्ट एंगल में बना रहा हूं, तो अगर मेरा फ्रंट, मेरा ये जो एलिवेशन या फ्रंट यहां गया है, तो अब टॉप ऑब्वियसली है, और कहीं जगह नहीं बचती ऊपर, तो टॉप हमेशा इसके नीचे बनेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अगर जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये टॉप, इसका टॉप ऐसा दिखेगा, या फिर यहां से देखिए, अब मैं ऊपर से देख रहा हूं टॉप में, तो मुझे एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा और ये दिखेगा। सेम चीज मैंने यहां बना दी है इसके रिलेटिव रख के। यहां से मैं देख के आपको समझाने के लिए बता सकता हूं, देखो ये यहां से ये आया, इस किनारे से ये आया, इस किनारे से ये आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइड की। अब ये साइड आ गई, अब ये साइड है, इसको क्या करेंगे हम फिर पुश करेंगे, क्योंकि कौन सा है, फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल में क्या किया था, हमेशा चीजें पुश की जाती है, तो हमने इसको पुश करी, तो पुश करेंगे कहां बनेगा, इधर, इधर से पुश करा ठीक पीछे, यानी पीछे कहां जगह बज रही है, ऊपर, यानी ये कहां बनेगा, इधर। तो जैसे इसका अगर हम इसका बनाएंगे तो इसका रेफरेंस लेंगे ये, तो ये बन गया। इसका अगर रेफरेंस लेंगे लाइटली, ये देखिए, ये जाएगा यहां, यानी ये ऐसे, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, आप सिंपली, मुझे ये डिसाइड करना था कि मैंने किस स्टाइल से रखा गया। तो जब मुझे समझ में आया कि जो ड्राइंग ऐसे है, तो मैंने फ्रंट देखा यहां है, मैंने इसे पुश किया, इसको यहां बना दिया। अब क्योंकि फ्रंट यहां बनाया है, तो इसका टॉप हमेशा फ्रंट के नीचे ही बनेगा, क्योंकि ये फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल हमेशा जस्ट अपोजिट साइड में बनता है। तो फ्रंट यहां हुआ, इसका टॉप नीचे बन गया, और यहां का साइड था, इस साइड को मैंने पुश करा, पुश करने के बाद जैसे दे पीछे को जाएगा, यानी बची हुई जगह कहां जाएगी, इसके पीछे, यानी यहां पर। तो इस तरह से मेरे तीनों तैयार हो।